नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं वाईचिट इंडिया के डे फाइव के कलेक्शन के बारे में और रंगीला राजा के डे फाइव के कलेक्शन के बारे में, और ओवरसीज वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने कितना कमाया इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाईचिट इंडिया में 1300 स्क्रीन में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है वो 18 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में हमें श्रेया धनवंती और इमरान हाशमी जैसे स्टार देखने को मिले थे। चलिए अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। इस फिल्म का डे वन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1,70,00,000। डे टू का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 2,45,00,000। डे थ्री का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 2,64,00,000। डे फोर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1,20,00,000, और डे फाइव का जो अब तक का कलेक्शन आ रहा है वो 1 करोड़ आ रहा है। इस तरह वाईचिट इंडिया ने इंडिया में सिर्फ 9 करोड़ रुपए की कलेक्शन की है। अब इस फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। इस फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन है 5 करोड़, और इस फिल्म का इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन है टोटल 11 करोड़। इस तरह इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है 16 करोड़। ये फिल्म हिट नहीं, फ्लॉप भी नहीं, एवरेज चल रही है अभी। अब हम बात करते हैं रंगीला राजा के बारे में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में शक्ति कपूर, गोविंदा और प्रेम चोपड़ा जैसे बहुत सारे कॉमेडी कलाकार देखने को मिले हैं। इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वो 10 करोड़ बताया जा रहा है। ये एक कॉमेडी फिल्म है। ये इंडिया में 500 से भी कम स्क्रीन में रिलीज हुई थी। चलिए अब इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। इस फिल्म ने डे वन में 25,00,000, डे टू में 30,00,000, डे थ्री में 35,00,000, डे फोर में 15,00,000 का कलेक्शन किया था, और अब तक का जो डे फाइव का कलेक्शन आ रहा है वो 12,00,000 आ रहा है। इस तरह रंगीला राजा का इंडिया का टोटल कलेक्शन होता है 5 डे का 1,17,00,000। तो दोस्तों, ये दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें।